बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सबक जो है ये चौथी जमात के लिए है, उर्दू किताब से। आप अपनी किताब निकालिए, सफ़ा नंबर 52 निकालिए। तो आज हम नया सबक पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमने एक सबक पढ़ा जिसका नाम था गांधी जी, तो आज हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। इस सबक का उन्वान जो है, नाम है रास्ता चलने के कायदे। रास्ता चलना वत सड़क वत पकने कायदे क्या, कानून क्या, तरीक क्या, तो इन तरीकन पे अमल करें। पटकन से लफज पैदल, पैदल गो ये इंसान पथर यथर पे वन पथर पकुन, गाड़ी बगैर, साइकिल बगैर, कुन त सवार बगैर इंसान पन्न खोरन पे पकान, कह सफर करा वन कि बह सा आस पैदल हंदवार पे या कुन गाम पे आमद रफ्त गो यून ग चौराह वन चुवतस, यानी सो जाय यदन सड़क रलान समझा तो इथ कन कि योर ये सड़क योर यपर कि यह गोर योर ब्या सड़क यानी चोर साइड ये बनान इस जाय वन चौराह चौथ कशर पे वन तो गो यम जाए चोर साइडन कुन आरान इंसान चोर यह मानते तुम सेंटर यत ये अख सड़क नेरान योकन अख नेरान योकन ब्या नेरान योकन ब्या नेरान योकन गो यो चौथ क्या वनो चौथ तो खत गो लकीर इथे कन मतलब गो मकसद। रास्ता चलने के कायदे, बच्चों आइए आज हम सड़क पर आमद रफ्त के कुछ कायदे सीखेंगे। उस्ताद की ज़बानी ये सुनकर सभी बच्चे चुपचाप कान धर कर सुनने लगे। उस्ताद ने नरम और शीरीन लहजे में यूँ कहना शुरू किया, दोस्तों सड़कों पर आम तौर पर पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आमद रफ्त ज़्यादा होती है, इसलिए हादसों का ज़्यादा इम्कान होता है। इन हादसात और उनके नुकसान से बचने की खातिर कुछ कायदे मुकर्रर हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो भीड़ का ख्याल रखकर गाड़ी को आहिस्ता चलाना होगा। हम गाड़ी चलाते हों या पैदल चल रहे हों, हमेशा बाएं जानिब रहकर चलें। सड़क पार करनी हो या चौराहे पर मुड़ना हो तो दाएं बाएं अच्छी तरह देखकर मुड़ें। चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की हिदायत की पाबंदी करें। तो यहाँ तक हम फिलहाल पढ़ेंगे। अब हम इसका तर्जुमा सुनेंगे। आइए आज हम सड़क पर आमद रफ्त के कुछ कायदे सीखेंगे। यानी इस बच्चन को माना कि वलियो सो गोबरो आज हेचो के कानून कायदे के कानून सड़क चौद ना बोझमुत यानी सड़क पे इन गसने खतर कम कानून छ सड़क पे पकने खतर कम कानून छ अम कथ हेचो। उस्ताद की जबानी ये सुन कर सभी बच्चे चुपचाप कान धर कर सुनने लगे। यहाँ तय वोन उस्तादन पन्न बच्चन ये कथ तो दुम यथु यह कथ शुरो बोझ तो इम बीठ छप दब कर चुपचाप गो छप दब कर बीठ कान दौर ये वन
यानी क्या हवन मास्टर जी, क्या हवन है इसे। उस्ताद ने नरम और शीरीन लहजे में यूं कहना शुरू किया, दवा उस्ताद नसवन बड़ नरम जबोई मज मेच जबोई मज यानी कोरिम शुरू तकरीर पान पनी कत। दोस्तों, सड़क पर आम तौर पर पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आमद रफ्त ज़्यादा होती है। लोग टाठियों बच्चों तो शु पता है कि सड़कों पर आम तौर पर पैदल पकन वाल या गाड़ी पैदल पकन वाले हूँ तदाद वो या गाड़ी यम जन सड़कन पर चलान इन अज गाड़ी अक तरफ अज गाड़ी बे तरफ आसान पकान अत मे पैदल तो लूख आसान पकान तो यह आमद रफ्त जन इन गुन यह बढ़ोमुत यह ज्यादा यानी लुकन पैदल सवारन हूँ तो गाड़ियों हूँ त इसलिए हादसों का ज़्यादा इम्कान होता है। तवे हादसों ज़्यादा खतरे रोजा यानी इतिस यूता गैर आसान गाड़ियों हूँ तंसान हूँ तैदल तो तूत हादसों यानी एक्सीडेंटन हूँ खतरे रोजा। इन हादसात और उनके नुकसान से बचने की खातिर कुछ कायदे मुकर्रर हैं। अम हादसों नश तो नुकसानों नश चूंकि अल्लाह ताला बचा ये कह हादसों गा सो गो नुकसान तो कंस इंसान टक्कर अमेस सेहतस पे बुरा असर पे यानी कुन सात मर तकान गचित कुन सात अगर बच तो बड़ अड़मोजूर गसा कह तान फटा तो इमो नुकसान तो नश बचने खातर यम जन सरकारन कानून कायदे मुकर्रर करमित जिन पर अमल करना ज़रूरी है। अमन कानूनन पे अमल ज़रूरी करें यानी यम हिदायत सरकार के आसन अमन पे अमल करें ज़रूरी। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो भीड़ का ख्याल रखकर गाड़ी को आहिस्ता चलाना होगा। दवा अगर इस गाड़ी आसो चलावा पान ड्राइविंग आसो करा अच्छे थावन ख्याल यत जन भीड़ आीड़ गो यत जमघट वनान ये लुकन हम तदाद वारिया तो ये चीज थावन ख्याल अच्छी गाड़ी पकना हुई वार वार अच्छी तेज चला हुई गाड़ी कें इत कहान तुम बाजरन मज ये गाड़ी पकान वार वार पकान ताकि तमिश पता कि ये लुकन हूँ रश तो अगर बहुत तेज पक खुदा न खास्त हादसे मा गए। हम गाड़ी चलाते हों या पैदल चल रहे हों हमेशा बाएं जानिब रख कर चलें, चाहे अस गाड़ी आसो चलावा या गाड़ी आसो ये पैदल आसो पकान तो हमेशा गए सड़क खोहर कि पकुन यानी पैदल तो पकान सो ग खोहर पकुन मसलन यह योर सड़क गोर इंसान पकान अमिश खोहर साइड ये अमिश तेल ये साइड रटन यानी नसब रोड त्रावन यल अमिश पकुन पैदल वाल सद खुन तील त्रावित रोड आम निबान जाय ये पाथ वनान अमिश पज पकुन अमी रोड यानी नम तेल सड़क पे पज पकुन कें तो गाड़ी जन अगर वो गाड़ी आ चलावा तेल नम सड़क नसब अमिश रटन यानी खोहरी साइड पकुन योर अगर आ गाड़ी पकान योर ब्या गाड़ ये पक यह ने यम साइड अम सुद खोहर साइड ये योरक सुद खोहर साइड ये यानी यह गोरुक यपर कि यान यम साइड ओरुक यपर कि इस पर पन पन साइड पकान नतीज न कि हादसे हेकन ग अगर वो ये नफर तोर पकान तो ये और इन वाजि गाड़ी इत आई अपरी कि तो इन हे पान टक्कर तगत इत पैदल वाल तम जन यम पैदल तम पज पाइड पकुन यम साइड आकान तम पज नम साइड पकुन ताकि जमघट ग लुकन हूँ पैदल तहें तो अमुक थावन खास ख्याल सड़क पार करनी हो या चौराहे पर मुड़ना हो त
तो दाएं बाएं अच्छी तरह देख कर मुड़े दवा। अगर तुम सड़क आज क्रॉस करें तो तुम सड़क अपोर तारुन तो तुम यह वचुन मसलन यह सड़क निम जाए लड़क बिहत अमिश तारुन योकुन यह साइडस कुन मगर अमिश गो नजर दी नेमन ते साइडस कुन वचुन यथ साइडस कुन वचुन योर मा गाड़ पकान या योर मा गाड़ अगर योर दोनों साइडो गाड़ उस पकान कह तेल पजि अमिस क्रॉस कर नंबर ज अगर वो गाड़ उस पकान चाहे अक अंद दोनों अंद तेल पजि अमिस तोत रुकन योतान यह गाड़ नेर ये गाड़ नेर पत पजि अमिस वार वार पकुन टुख पजिस नुल कहने अम चीज ख्याल थवन दशुन कुन तिश नजर दी खोवर कुन तिश नजर दिन तो चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की हिदायत की पाबंदी करें इस चौवतिस पे बिल्कुल अत गोल बन चौवतिस पे अत गोलस पे पुलिस वोल खड़ा वर्दी लगित ट्रैफिक पुलिस वनान तमन सह नेवी ब्लू वर्दी लगित तो तमिस वसल अस मज सह बिल्कुल ये जन योर गाड़ योर तरन तिस पे सह रुकान नमान गाड़ तो नमान गाड़ तो इन सह तुम स्टॉप करा ये कालस योर गाड़ योर तरह या योर गाड़ योर तरन पे ये साइड कुन हदस तान खाली गसा पत नमन रुकान पत त्रावान नमन गाड़ नेम रोड चन गाड़ योर यमान चन योर इन चौदस पे अम स आम अलव सिग्नल बोर्ड तसान लगित तो फिजिकली नफर तेजन डिपार्टमेंट यानी पुलिस या ट्रैफिक पुलिस वन तो इस हिदायत दी कि खास कर कमन गाड़ चला वाले तो तम पज अत पे अमल कर पाबंदी सान पज तम अमल कर इन चीजन पे पाबंदी सान अमल करो नतीज न कि तेल गादसे कह आज पो योत तो वो कह लफज ये सबकस मन पे तो इम ग्रामर लिहाज वाहिद जमा तो मुतजाद अल्फाज वाहिद कायदे ओर लफज दी वाहिद कायदा कायदा कायदे रास्ता रास्ते इमकान इमकानात नुकसान नुकसानात ओर हाथ किताब पे अमुक वाहिद नुकसान गाड़ी गाड़िया अमल अमाल ख्याल ख्यालात हिदायत हिदायत ओर दी हिदायत गोम वाहिद जमा लफज इथे कन मुतजाद लफज यानी जिद नरम सख्त ज्यादा कम नुकसान फायदा दाएं बाएं ये जो ये अल्फाज है ये मुतजाद अल्फाज है। इसके अलावा यह एक और लफज आया है जो मुजक्कर मोनस के हवाले से है यानी उस्ताद आव यह लफज उस्ताद मुजक्कर अमुक मोनस यूजन सू उस्तानी यानी उस्ताद से मुजक्कर उस्तानी। तो ये चंद अल्फाज जो यहाँ हैं तो ये आप अपनी कापी पर लिखें नोट करें और याद भी करें तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।